हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपके जो कमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं प्रेशर वॉशर को यूज़ करने के टाइम में, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर क्या होता है, प्रेशर वॉशर जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, और उसके लिए मेरे पास कमेंट भी काफ़ी आते हैं कि मेरा प्रेशर वॉशर का वाटर लीकेज कर रहा है, ऑयल में पानी भर गया है, या फिर उसका जो ऑटो कट स्विच है वो काम नहीं कर रहा है। तो उसी के लिए मैं ये स्पेशली वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट और एसेसरीज रखे हुए हैं। तो ये सारे स्पेयर पार्ट और एसेसरीज आपको मैं जो डिस्क्रिप्शन में नंबर डालूंगा वहाँ से आप उनको कॉल करके मंगा सकते हैं, और लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन अमेज़ॉन से भी परचेस कर सकते हैं। तो वन बाय वन पहले मैं आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैवी ड्यूटी का गन है ये। ये आपका कमर्शियल प्रेशर वॉशर में भी लग जाएगा और डोमेस्टिक में भी। और यहाँ पर जो है वो आपका जो ये स्वेवल अडाप्टर आता है M22 साइज़ वाला, वो लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है ये प्रेशर हॉस पाइप में लगता है आपके। तो ये भी आपको सेलर से मिल जाएगा। और यहाँ पर जो ये अडाप्टर लगा हुआ है वो देख रहे हैं, ये M14 साइज़ का वो ये है। तो ये भी आप अलग से परचेस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये टर्बो नोज़ल है 40 डिग्री का, तो ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। तो ये आपका यहाँ पर गन के आगे लगेगा, ठीक है ये। तो इससे आप जो फ्लोर की क्लीनिंग है वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 360 का भी एक नोज़ल मिल जाता है, तो उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका गन के आगे लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 360 डिग्री काम करेगा, और उसके बाद यहाँ पर आप ये वाला नोज़ल लगा सकते हैं, ये वाला जो इस गन के आगे लगा रहता है ना, ये निकल जाता है आपका। मैं एक बार आपको लगा कर ही दिखा देता हूँ। ये मैंने एक बार प्रेशर वॉशर यूज़ किया था स्टारक्यू का, ये स्टारक्यू का 360 वाला है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ आगे ऐसे लग जाएगा, ये देखिए आपका यहाँ पर ये ऐसे फिट हो जाएगा। और उसके बाद जो ये वाला नोज़ल है वो आप यहाँ पर ऐसे फिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर आपको टिप नोज़ल इस्तेमाल करना है तो इसको भी आप कनेक्ट करके इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका लग गया, फिर इसमें आप आराम से टिप नोज़ल लगा सकते हैं ये। और उसके बाद ये देखिए, इसका एंगल रोटेट हो जाता है 360। ये देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, और स्ट्रेट भी आप करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्विच के बारे में। तो ये जो स्विच है वो यहाँ पर लगता है प्रेशर पम्प में, ठीक है। ये अक्सर जल जाता है हमारा, तो ऑटो कट स्विच बोलते हैं इसको। तो ये अगर आपका ख़राब हो जाता है तो ये भी आसानी से मिल जाएगा, सेलर के पास अवेलेबल रहता है हमेशा, ठीक है। अब बात करते हैं ये प्रेशर पंप के बारे में। तो ये जो पंप हेड देख रहे हैं आप, ये आपका बिटाली में, स्टारक्यू में, JPT में, IMAX में, बेलोरेक्स में और शक्ति में, सभी में फिट हो जाता है ये ईज़िली, ठीक है। और आप अगर आपका दूसरा भी कोई पंप हेड है तो उसका सेलर को आप फ़ोटो भेज सकते हैं, वो आपको अरेंज कर देंगे। तो ये सारी असेंबली भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टिप नोज़ल, ये भी आपको मिल जाएगा। फिल्टर हो गया आपका सक्शन वाला, और इसका अडाप्टर इनलेट फिल्टर में जो लगाते हैं, ये भी आप अलग से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाटर सील इसे कहते हैं, ये आपका प्रेशर पंप में लगता है, इसी की वजह से आपका वाटर लीकेज करता है प्रेशर पंप में। तो ये आप अलग से परचेज कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये बेसिकली एक किट में आती हैं पूरे, तो ये सारी चीज़ उस साथ में आएंगी। ये आपका ऑयल सील हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक किट में आती हैं। तो अगर आपको पंप हेड पूरा ये नहीं चेंज करना है, केवल अंदर का पार्ट चेंज करना है स्पेयर पार्ट, तो वो भी आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर इससे थोड़ा भी आपको हेल्प मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।